हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय नई वीडियो। दोस्तों आज की हमारी नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है सैमसंग A30s के ऊपर। दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग A30s है तो दोस्तों आपका डिवाइस काफी पुराना है, तो वैसे में दोस्तों कुछ लोगों का डिवाइस अभी तक डैमेज हो गया होगा और वो लोग अपने डिवाइस रिप्लेसमेंट करा भी लिए होंगे, तो वैसे में दोस्तों उनके पार्ट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता होगी। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका डिवाइस अभी तक सेफ एंड सिक्योर है, बट दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर उनका डिवाइस डैमेज हो जाए तो वैसे में दोस्तों उनको उनके पार्ट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं पता होगी जब तक कि वो सर्विस सेंटर पे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सैमसंग A30s की दोस्तों आपको चार ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर ऐसी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूँ सैमसंग A30s की दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। दोस्तों अगर बैटरी की बात करूँ तो आपको 4000 मिली एम्पियर की आपको एक अच्छी बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर कुछ वक्त बीतने के बाद हो सकता है कि अगर आपकी बैटरी बैकअप कम हो जाए जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट करना पड़ जाए, या फिर किसी रीजन से अगर आप अपनी बैटरी को चेंज कराने जाते हैं सर्विस सेंटर पे, तो दोस्तों वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 1020 रुपीज। दोस्तों उसकी कॉस्ट आपको 1020 रुपये के आसपास आपको सैमसंग A30 की दोस्तों आपको बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों अभी बात करूं दूसरे डिपार्टमेंट की। दोस्तों अगर बात करूं बैक पैनल डिपार्टमेंट की, दोस्तों बैक पैनल आपको प्लास्टिक की प्रोटेक्शन बैक में देखने को मिलती है, बट दोस्तों हो सकता है कि अगर आपका बैक पैनल गिरने की वजह से या फिर किसी रीजन से अगर आपका बैक कवर टूट जाता है, तो वैसे में दोस्तों जब आप इसको चेंज या फिर रिप्लेसमेंट कराने जाते हैं सर्विस सेंटर पे, तो वहां पे दोस्तों उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 1254 रुपीज देने पड़ जाएंगे। लगभग आपको 1300 के आसपास आप सैमसंग A30s की दोस्तों आपको बैक पैनल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों अभी बात करूँ मेन चीज जो कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिवाइस का। दोस्तों अगर डिस्प्ले डिपार्टमेंट की बात करूँ तो डिस्प्ले आपको नो डाउट टॉप लेवल की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोस्तों हो सकता है कि अगर आपका डिस्प्ले फिर स्क्रीन दोस्तों किसी रीजन से अगर टूट जाता है, फिर गिरने की वजह से प्रॉपर काम करना बंद कर दे, तो वैसे में दोस्तों जब उसको आप चेंज कराने जाते हैं सर्विस सेंटर पे, तो दोस्तों वहां पे उसकी आपको कॉस्ट देनी पड़ जाएगी 3390 रुपीज देने पड़ जाएंगे। लगभग आपको 3400 के आसपास आपको सैमसंग A30s की दोस्तों आपको डिस्प्ले या फिर स्क्रीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों अभी बात करूँ फाइनली लास्ट में, दोस्तों अगर बात करूँ मदरबोर्ड की, दोस्तों मदरबोर्ड पता है कि दोस्तों हर डिवाइस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वैसे में दोस्तों अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो जाता है, तो वैसे में दोस्तों जब आप उसको चेंज या फिर रिप्लेसमेंट कराने जाते हैं सर्विस सेंटर पे, तो दोस्तों उसकी आपको वेरिएंट के हिसाब से कॉस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पे मदरबोर्ड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो दोस्तों उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 5370 रुपीज देने पड़ जाएंगे। लगभग आपको 5400 के आसपास आपको सैमसंग A30s की दोस्तों आपको मदरबोर्ड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑन करिए ताकि हमारे हर ऐसी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतने ही। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।